हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, जो आज का ये वीडियो है चैप्टर वन क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के स्टूडेंट के लिए है। चैप्टर का नाम है आपका अर्थशास्त्र का परिचय व केंद्रीय समस्याएँ, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो जो चैप्टर है आपका अर्थशास्त्र का परिचय, इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि चैप्टर वन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले देखिए स्टूडेंट, क्या है क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स किसके बारे में है, अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। तो चैप्टर का नाम ही है कि अर्थशास्त्र का परिचय, यानी हमें अर्थशास्त्र का क्या है परिचय देना होगा, उसके बाद में केंद्रीय समस्याएं के बारे में जानना होगा। तो देखिए, जो अर्थशास्त्र का जो परिचय है किस प्रकार से, सबसे पहले हम अर्थशास्त्र का अर्थ देखेंगे कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठा है तो आप बैठ जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि चैप्टर वन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में है इसका अर्थ। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मनुष्य की विभिन्न क्या है, जिसमें मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र का जो अर्थ है, कोई भी जो मनुष्य है इसके जो आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी हमारे घर की जो आवश्यकता है, जो हमारी नीड है, उसके मनुष्य द्वारा की गई आर्थिक क्रियाएँ, यानी मेहनत करके आर्थिक क्रियाएँ पैसे लाना अध्ययन किया जाता है, इसी को क्या हम कहते हैं अर्थशास्त्र कहते हैं। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। तो अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है ये आप देख लिए। अब देखिए इसका क्या पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में देखिए। आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं क्या है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं को पहले हम देखेंगे। अब देखिए इसके दो पार्ट हैं, यानी दोनों में अंतर आपको बताना है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अलग अलग वो रूल है, यानी एक अलग रास्ते पे जाता है, एक अलग रास्ते पर है, दोनों का रास्ता बटा हुआ है। तो पहला क्या है आपका आर्थिक क्रियाएँ। आर्थिक क्रियाएँ किसे कहते हैं, स्टूडेंट जिनको पता है वो हमें बताइएगा कि सर हमें पता है। देखिए आर्थिक क्रियाएँ में क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को सम्मिलित क्या है, उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें सीमित साधनों के प्रयोग से आय अर्जित की जा सकती है, जैसे शिक्षक, चिकित्सा, व्यापार। यानी इनमें बात क्या हो रही है आर्थिक क्रियाएं में, आर्थिक क्रियाएं उन क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है जिसमें सीमित साधनों का प्रयोग होता है, जैसे आय अर्जित होता है, जैसे शिक्षक, यानी शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसको भी पैसे मिल रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहा है उसको भी पैसे मिल रहे हैं, व्यापारी है वो व्यापार कर रहा है उसको भी पैसे मिल रहे हैं, तो आय अर्जित हो रहा है, यानी आय उसके पास, यानी जो धन है वो आ रहा है, तो इसी को हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएँ। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो आ जाता है अनार्थिक क्रियाएँ, इसका दूसरा यानी अपोजिट होता है, मैं दिखा दूँ आपको इसका मीनिंग, में आपको दिखा दूं। अनार्थिक क्रियाएं क्या है, देखिए अनार्थिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे संपूर्ण समाज का हित हो या सामाजिक, धार्मिक आदि जरूरतों की पूर्ति हेतु की जाने वाली क्रियाएं, जैसे मंदिर जाना, दान करना आदि, प्रेम स्नेह, तो ये सब क्या है, ये अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं में क्या होता है आपका पैसा होता है, यानी जो मेहनत करते हैं उसके आधार पर जो हमें पैसे मिलते हैं, जो धन मिलता है, उसी को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसका अपोजिट जो अनार्थिक क्रिया होती है, इसमें क्या होता है दान करना, भोजन खिलाना, उसके बाद में क्या होता है भोजन खिलाना, स्नेह प्यार, तो ये सब क्या है अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, आप देख सकते हैं अनार्थिक क्रियाएं कैसे कहते हैं और आर्थिक क्रियाएं कैसे कहते हैं, तो इसको हमने बता दिया। अब चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या आ जाता है। तो देखिए अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, यानी जो आर्थिक क्रियाएँ और क्या है आर्थिक क्रियाएँ और अनार्थिक क्रिया हमने बताई है, इनमें जो पॉइंट्स हैं, यानी जो पॉइंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण आर्थिक समस्याएं हैं, यानी जो अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है किन भाषाओं से, उसका क्या है का आर्थिक कारण क्या है, उसका मूल कारण आर्थिक समस्या, यानी आर्थिक पैसों से, आर्थिक समस्या आर्थिक धन से है। तो इनमें देखिए क्या है समस्याएं में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे पहला है चयन की समस्या, दूसरा आपका संसाधनों की समस्या, तीसरा है व्यक्ति विशेष, चौथा है आपको वस्तु और सेवाओं। तो मैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, यदि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो आपको थोड़ा थोड़ा आगे करके लिखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चयन की समस्या, अब देखिए चयन की समस्या क्या होती है उसको हम आपको बता देते हैं।
इसमें क्या होती है चयन की समस्या में कि चुनाव यानी कोई भी चुनाव या चुनाव करने की कला अध्ययन किया जाता है, जिसमें ये समस्या निम्न कारण से उत्पन्न होती हैं। यानी चयन की समस्या में क्या होती है कि अर्थशास्त्र के मूल में चयन की समस्या के संदर्भ में चुनाव करने की कला का अध्ययन किया जाता है, ये समस्या के कारण निम्न होते हैं। अब दूसरा जो आपका है क्या है, संसाधनों की समस्या। संसाधनों की समस्या में क्या आ जाता है, जैसे कि आपका आता है संसाधन से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं से है, क्या है उन वस्तुओं से है, जैसे भूमि, श्रम, औजार, मशीनें इत्यादि, इनसे क्या है हमारे वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है और उत्पादन करने हेतु तो इन सभी चीज़ों का क्या होता है जरूरत होती है। हमें व्यक्ति विशेष में आपका क्या होता है निर्णय लेने में सक्षम और व्यक्ति फर्म आदि हो सकते हैं। तो ये आपका चौथा जो है आपका वस्तु और सेवाएँ। वस्तु और सेवाएं में क्या होती है, क्या होते हैं इसके लिए इनका क्या रहता है, वस्तु में आपका हो जाता है अध्यापक और डॉक्टर की सेवाएं, व्यक्ति विशेष में आपका क्या हो जाता है एक व्यक्ति के क्या है एक व्यक्ति के फर्म आदि हो सकते हैं, यानी अपना निर्णय लेना, अपनी से क्या सक्षम इकाई से रहना, ये सारी चीज़ें जो आता है वह व्यक्ति विशेष में आती हैं। वस्तु के सेवाओं में भी हमने बता दिया है। तो ये अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के कुछ मूल कारण हैं। अब देखिए इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो कि किसमें हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं में, ये याद रखिएगा क्योंकि पॉइंट ही आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए अर्थशास्त्र की प्रकृति में क्या है, अर्थशास्त्र एक कला है एवं एक विज्ञान भी है। एक कला के रूप में अर्थशास्त्र हमें एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करने में क्या है सहायता प्रदान करता है। यानी जो अर्थशास्त्र है वो एक कला या विज्ञान है, एक कला के रूप में क्या है, एक कला के रूप में हमें एक सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करने के सहायता प्रदान करता है, जो कि एक प्रकृति है अर्थशास्त्र का, ये याद रखिएगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यानी टॉपिक जो हमारा आ जाता है, वास्तविक अर्थशास्त्र एवं क्या है, वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के मध्य अंतर बताइए, यानी दोनों में डिफरेंस बताना है कि वास्तविक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है ये किसे कहते हैं, इन दोनों के रास्ते अलग हैं याद रखिएगा। तो पहले हम देखते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक मुद्दों को। देखिए वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक मुद्दों क्या है, आर्थिक मुद्दों को तथ्यों के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है, ये वास्तविक परिस्थिति को दर्शाता है। इसमें कुछ पॉइंट है, पहला है भारत की अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर निरंतर बढ़ रहा है, दूसरा आपका इसके अंतर्गत वाक्यों की सहायता की जांच की जा सकती है। अब देखिए इसके बारे में क्या है, देखिए ये जो होता है ये क्या होता है, ये आर्थिक क्रियाओं को प्रकट करता है। जो वास्तविक अर्थशास्त्र है ये क्या करते हैं, ये आपका आर्थिक क्रियाओं को प्रकट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर निरंतर बढ़ रहा है, इसके अंतर्गत क्या है सत्यता की, इसके अंतर्गत जो सत्यता की जाँच की जा सकती है, किसके अंतर्गत वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा अगला आ जाता है क्या आता है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। तो वास्तविक जो अर्थशास्त्र होता है ये क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं को प्रकट करता है, और जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है इसको भी हम बताते हैं। देखिए आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कर एक आदर्श क्या है, एक आदर्श स्थिति को परिभाषित किया जाता है। अब जिसके अनुसार से आप देख सकते हैं भारत को बढ़ती हुई कीमतों क्या है, भारत में बढ़ती हुई कीमतों के स्तर को रोकने के कदम उठाने चाहिए और इसके वाक्यों की सत्यता नहीं जांची जा सकती। यानी जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है इसमें क्या होता है उसका अपोजिट, यानी दोनों में अलग अलग रूल है, इसमें क्या होती सत्यता को जांचा जा सकता है, इसमें नहीं जांचा जा सकता, इसमें निरंतर बढ़ रहा है इसमें ठीक है, इसमें नहीं बढ़ना इसमें रोक लगाना चाहिए, तो दोनों का अलग अलग रूल है। इसमें आपका आर्थिक क्रिया जाता है, उसमें आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है मुख्यता इसका व्याख्या किया जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए हमने बता दिया, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, यानी जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है ये क्या है, देखिए अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, किन प्रकार से, जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है ये दो प्रकार से क्या कहें वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आपका हो जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए इनमें क्या आ जाता है, मैं दिखा दूँ आपको पूरा जानकारी। देखिए पहला आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब चलिए देखते इसका परिभाषा क्या होता है और इसके वस्तु स्तर क्या है, इसके जो निम्न सिद्धांतों हैं उसकी व्याख्या भी हम करेंगे आपको साथ में। देखिए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आर्थिक मुद्दों का अध्ययन एक व्यक्तिगत इकाई जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, एक वस्तु आदि क्या है, एक वस्तु
आदि के स्तर पर किया जाता है, यानी जो व्यक्ति होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें क्या होता है इसके लिए, इसमें एक व्यक्ति अपना ही पूरा कार्यभार कर सकता है, कोई दूसरे समाज का या राष्ट्र का नहीं कर सकता, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। अब इसमें जो सिद्धांत है, इसके पहले आपका हो जाता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, दूसरा मांग का सिद्धांत, तीसरा कीमत का सिद्धांत और चौथा आपका पूर्ति का सिद्धांत, पांचवा क्या होता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के पांच सिद्धांत हैं जो इस प्रकार से हैं। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा के साथ में उनके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, तो ये पांच आप सिद्धांत लिख देंगे, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब देखिए दूसरा क्या है जो विषय सामग्री है, समिष्टि अर्थशास्त्र। क्या है समिष्टि अर्थशास्त्र, अब इसको देखिए क्या है, इसका परिभाषा क्या है कि समिष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर क्या है किया जाता है। निम्नलिखित सिद्धांतों अध्ययन, क्या है निम्नलिखित जो सिद्धांतों को अध्ययन इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको समिष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया कि जो ये समिष्टि अर्थशास्त्र होता है ये पूरे राष्ट्र का यानी पूरे भारत का पूरे राष्ट्र राज्य का ये पूरा निर्धारित करता है कि इसके आर्थिक मुद्दे क्या हैं, इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान रखा जाता है समिष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा। लेकिन जो व्यष्टि है इसका अलग है, यानी सिर्फ वो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन जो समिष्टि अर्थशास्त्र इंडिया जैसे इंडिया है तो इंडिया की पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ध्यान समिष्टि अर्थशास्त्र रखता है। अब इसके जो कुछ सिद्धांत है उसको भी हम देख लेते हैं। पहला जैसे आपका सिद्धांत है अर्थव्यवस्था में संतुलन का सिद्धांत, दूसरा आपका है अर्थव्यवस्था में असंतुलन का सिद्धांत, तीसरा है समग्र मांग एवं क्या है समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति का सिद्धांत, और चौथा आपका राष्ट्रीय आय। जैसा कि आप देख सकते हैं राष्ट्र की आय समिष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये आती हैं। तो इनके बारे में आप इस प्रकार से समिष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ सकते हैं। अब आगे आएगा जो आगे आपका आएगा वो आएगा दोनों में अंतर बताने को, तो वो भी हम बताएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में आपको याद रखना ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्या जाता है। स्टूडेंट हमने आपको बताया था, हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा देख लिया, समिष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा देख लिया, अब इसमें दोनों में अंतर आ गया, यानी अंतर आपको करना है दोनों में, इसका अलग अलग क्राइटेरिया है। हमने जैसे कि आपको बताया था जैसा कि हमने पढ़ा वास्तविक आय और आदर्शात्मक आय, सेम इसी प्रकार से इसके दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों का अलग रूल है, किसी का समाज के लिए किसी के अपने प्रति है। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समिष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, तो सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का देखेंगे। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां यानी व्यक्तिगत यानी व्यक्ति की आर्थिक इकाइयों की बात होती है जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में है। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल जब रहता है तो काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। जैसा देख सकते हैं मांग कीमत पूर्ति आदि का अध्ययन किया जाता है, यानी मांग का भी कीमत और पूर्ति आदि का जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर हो अध्ययन किया जाता है। अब इसके आधार क्या क्या है मैं उसको भी आपको बता देता हूँ ताकि सारी चीज़ें जो आपका क्लियर रहे, यानी सारा डाउट्स क्लियर रहे, बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे उसमें कोई भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, यानी कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि सर ये किस चैप्टर से है, ये कौन कौन से स्ट्रैटेजी से रहते हैं सारा। तो आधार में देखिए क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार कीमत है। क्या है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका क्या है, इसको हम कीमत के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखिएगा, क्योंकि उपभोक्ताओं एवं उत्पादक अपने निर्णय कीमत के आधार पर ही लिखते हैं, क्योंकि जो उत्पादक और क्या है उपभोक्ताएं हैं वो कीमत के आधार पर ही अपने सारी चीज़ें को लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब देखिए समिष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समिष्टि अर्थशास्त्र इसके दोनों मध्य अंतर हमें करना है, याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी आपका पूछा जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समिष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, 10 नंबर का भी क्वेश्चन दे दिया जा सकता है, 6 नंबर का भी दे दिया जा सकता है, और आप याद रखिएगा क्योंकि आपके लिए यही सब आपका जो अंतर होता है काफ़ी चीज़ें आपका पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, बेसिकली पिछले साल का पेपर भी देखेंगे तो ये शायद आया था ये क्वेश्चन। देखिए समिष्टि अर्थशास्त्र में क्या है कि यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समग्र आर्थिक इकाइयाँ जैसे क्या है समग्र जो आर्थिक इकाइयाँ हैं मांग समग्र पूर्ति कीमत का स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत समिष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब इसमें देखिए क्या है आधार इसका क्या है, समिष्टि अर्थशास्त्र का आधार आय है। क्या है इसका अर्थशास्त्र जो इसका क्या है अर्थशास्त्र है वो आय है, और जो व्यष्टि का था वो कीमत था। क्यों
क्योंकि उपभोग बजट क्या है, उपभोग बजट एवं निवेश से संबंधित आर्थिक निर्णय राष्ट्रीय आय के आधार पर लिए जाते हैं। ये क्या है, ये उत्पादक के निर्णय कीमत आधार पर लिए जाते थे राष्ट्रीय आय की। तो हमने जैसा कि आपको बताया तो वो राष्ट्र के लिए होता, वो एक व्यक्ति के लिए, सेम यही आपका है, दोनों में कोई आपको चेंजेस नहीं करने, चेंजेस बस रहेगा आपका उसका अपोजिट रहेगा, वो राष्ट्र के लिए है, ये अपने व्यक्ति के अपने पर्सनल के लिए, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अर्थव्यवस्था में आशय, हमने अभी तक अर्थशास्त्र की पूरी चीज़ें पढ़ी कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र समिष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर करिए। लेकिन जो हमारा आ गया है नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था में आशय, सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखेंगे फिर आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे। देखिए अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा जनसाधारण को आजीविका की क्या है, जनसाधारण को आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं जिसमें वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जिसमें क्या है वो जो अपनी आवश्यकताओं पूर्ति कर सकते हैं अर्थव्यवस्था के आशय में, ये आप देख सकते हैं। अब मुख्य प्रक्रियाएं भी हैं इसके जो अर्थव्यवस्था से आशय है, इसके कुछ मुख्य प्रक्रियाएं हैं उसको हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे ताकि सारा जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर रहे, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए पहला आपका आ जाता है उत्पादन, तो उत्पादन के बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा क्या है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ जो होता है ये उपयोगिता से सूजन से है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उत्पादन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या है, प्रक्रिया है जिसमें कच्ची सामग्री के वस्तुओं को परिवर्तित किया जाता है जो कि मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या है सक्षम होती है। उत्पादन को हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपका आता है उपभोग, यानी कि इसके लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु या सेवा का पूर्णतः उपयोग किया जाता है किसी अन्य स्वरूप के परिवर्तित में, ये आपका उपभोग में आ जाता है। विनिर्माण में क्या आपका आता है, जो विनिमय में हो जाता है इसका आपका आता है चेंज आ जाता है। तो विनिमय में क्या होता है कि ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रेता क्रेता किसी प्रतिस्वरूप के बदलने का किया जाता है, जो विनिमय होता है। इन्वेस्टमेंट आपको पता होगा निवेश करना, कि यह उत्पादन हुआ भाग है जिसमें भविष्य का आय अर्जित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था का आशय है जो कि चार प्रकार से है। यदि आपका अति लघुत्तरीय में प्रश्न आ गया तो बस आपको एज इट इज यानी इतने में ही आपको लिखकर छोड़ देना, कोई ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं डालना है। यदि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा थोड़ा आपको बनाकर लिखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। जो दिया हुआ है उत्पादन किसे कहते हैं, उपभोग क्या है, विनिमय क्या है, निवेश क्या है, तो ये अर्थव्यवस्था के आशय में आ गया। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या जाता है। इस तरह से हम हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज हम आपका पूरा सोल्यूशन कराएंगे, उसके बाद में जो आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सारी चीज़ें हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको चैप्टर तो मालूम होना चाहिए कि चैप्टर क्या है। देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार, हमने अर्थव्यवस्था का आशय पढ़ा, अब अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला आपका आ जाता है बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरा केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था, तीसरा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था की तीन प्रकार हैं बेसिकली, तो इसमें आप देख सकते हैं किसने हमने बता दिया पूरा प्रकार मिश्रित, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत ब्रेकेट में आप योजनाबंध भी कह सकते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जैसे केंद्रीकृत क्या है, केंद्रीकृत योजनाबंध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये आपका क्या आ जाता है, जैसे कि उत्पादन में, विनिमय में, उपभोग में, आदि में योजना सरकारियों केंद्रीय संस्था द्वारा बनाई गई एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। इसके बारे में आपको बहुत ही बड़ा थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, एज इट इज 50 शब्दों में तो मिनिमम लिखना ही होगा, तो आप समझ सकते हैं, ये आपकी किताब में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से इसको क्या होता है। जैसे केंद्रीकृत योजनाबद्ध व्यवस्था के बारे में हमने बता दिया है, उसके बाद में दूसरा है बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार में क्या होता है कि इस अर्थव्यवस्था के उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार क्या होते हैं, माल खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं बाजार अर्थव्यवस्था वाले। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आ जाता है, हमें केंद्रीय एवं बाजार अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएँ पाई जाती हैं, क्या है, दोनों की विशेषताएँ इनमें पाई जाती हैं, यानी दोनों का जो होता है मिश्रण इसमें होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ये आपको याद रखना है अर्थव्यवस्था के प्रकार में। हमारा अगला जो टॉपिक आ जाता है वो क्या आ जाता है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यानी जो अर्थव्यवस्था है
इसकी केंद्रीय समस्याएं क्या है, जो हमारा चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था का परिचय व केंद्रीय समस्याएं। तो हमने परिचय के बारे में पूरा जानकारी दे दिया है आपको, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर केंद्रीय समस्याएं आ जाती हैं कि कौन कौन सी समस्याएं बेसिकली अर्थव्यवस्था की। देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से आशय क्या है, केंद्रीय समस्याओं से आशय जो भी हम टॉपिक लेंगे उसका सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, उसके कितने पार्ट हैं उसको भी देखेंगे, उसके अनुसार उसके पार्ट के कितने क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। जो समस्याएं में भी है कि ये क्या होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं। अब देखिए क्या है, ये आधारभूत समस्याएँ निम्न हैं। क्या है ये आधारभूत समस्याएँ जो निम्न हैं केंद्रीय समस्याएँ में। देखिए पहला आपका आ जाता है क्या उत्पादित किया जाए, क्या है पहला जो पॉइंट आ जाता है ये क्या उत्पादित किया जाए, दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा है किसके लिए उत्पादित किया जाए। जो अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं हैं, केंद्र की समस्याएं हैं, ये यही हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि पहला क्या है जो केंद्रीय समस्याएं ये किसे कहते हैं। तो देखिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है, परंतु संसाधनों की कमी के चलते उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं क्या है उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त ऐसी वस्तुएं जो कि देश हित के लिए आवश्यक क्या है आवश्यक हों वे सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित की जाती हैं, जैसे हथियार पेट्रोल आदि। अतः इस अर्थव्यवस्था की आर्थिक भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो जो हमारा आ जाता है कि क्या उत्पादित किया जाए, ये हमारा इसका पॉइंट हो गया। अब दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, तो इसको भी आप समझ लीजिए थोड़ा, आप हमारी वाणी को देखिए। ये दूसरी केंद्रीय समस्या है जिसके अंतर्गत प्रत्येक अर्थव्यवस्था का यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए। वस्तुतः यह उत्पादन की तकनीक के चुनाव से संबंधित है। तो ये आपका कैसे उत्पादन किया जाए इसका टॉपिक हो गया। तीसरा जो हमारा बचता है केंद्रीय समस्या में कि किसके लिए उत्पादित किया जाए, यानी हमने उत्पादन भी कर दिया, उत्पादित कर दिया, और क्या है कैसे उत्पादित किया ये भी कर दिया। अब लिखिए जो हमारा बचता जो प्रॉब्लम होता है तीसरा होता है कि किसके लिए उत्पादित किया जाए, तो इसका भी आंसर देखिए कि इस क्या है इसके बीच समस्या का संबंध आय के विभाजन में से है। ये भी निर्धारित किया जाता है कि आय में प्रत्येक उत्पादन घटक का क्या हिस्सा होगा, जैसे श्रम का कितना मजदूरी होगी, भूमि की लागत कितनी दिया जाएगा, पूंजी का ब्याज क्या दर होगा, जाय की साहिबी की क्या है जाय एवं साहसी का कितना लाभ प्राप्त होगा। आय के विभाजन के पश्चात ये सुनिश्चित होता है। तो किसके लिए उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादित किया जाए, तीनों हमने जानकारी आपको दे दिया है शॉर्ट में। यदि आप ज़्यादा जानकारी है तो अपनी बुक में देख सकते हैं, नहीं तो आप कॉमेंट करेंगे तो इस पर हम एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे जो आपके सारे ये छूटते हैं, जो आपका जैसे अर्थव्यवस्था का प्रकार छूटता है और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो हमने अपनी वाणी से बता दिया, आप समझ सकते हैं बस। उसके बाद में देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है उत्पादन संभावना सारणी। क्या है उत्पादन संभावना सारणी। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें उत्पादन संभावना सारणी है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको यदि आप समझ ले गए, समझ लीजिए आप पूरा चैप्टर समझ ले गए। देखिए पहला है आपका उपलब्ध संसाधनों की मात्रा स्थिर है, यानी जो उपलब्ध संसाधन है या संसाधनों की इसकी जो मात्रा है क्या है स्थिर है। दूसरा आपका आ जाता है उत्पादन की तकनीक स्थिर है। तीसरा आपका आ जाता है संसाधनों को पूर्णता उपयोग में क्या है उपयोग में लिया जा रहा है। तो ये उत्पादन संभावना सारणी की ये आपका तीसरा हो गया। अब इसके जो पार्ट्स हैं, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके पार्ट्स हैं मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये हमारा फिगर आ चुका है, फिगर के अनुसार हमने आपको समझाने की कोशिश की। जैसे यहाँ पर आपका बात क्या हो रहा है उत्पादन संभावना सारणी, इसको आप समझिए। सबसे पहले देखिए गेहूं एवं क्या लिखा है गेहूं एवं दालों की उत्पादन संभावना सारणी। अब इसमें देखिए क्या है संभावना सारणी में, यहाँ पर आपका आता है उत्पादन के विकल्प, गेहूं लाख क्विंटल में, दालें लाख क्विंटल में, सीमांत अवसर लागत, यानी आपका यहाँ पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या है, जैसे उत्पादन विकल्प में ए गेहूं लाख क्विंटल में जीरो, दाल में 15। तो हम पहले हम आपको इसको बता देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये आप एक प्रकार से रूल हो गया जिसमें अनुसार आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है गेहूं लाख क्विंटल में, तो जैसे यहाँ पर जीरो है, एक है, बी में एक है, सी में दो है, डी में थ्री, ई में फोर फाइव। अब दाल लाख क्विंटल में यानी 15 क्विंटल, 14 12 9
5-0। अब पूरा कैलकुलेशन होता है, जैसे कि गेहूं वाला पूरा माइनस आ गया है, और उसके बाद में बी क्या है, गेहूं को जो है 1 है 14 है, 1.1, 2 12, 2.4, 3 9, 3.1, 4 5, 4.1, 5 0, 5.1। अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है, अब इसका उत्पादन संभावना सारणी आप देखिए कि इसका जो होता है उत्पादन संभावना वक्र एक वैसा वक्र है, क्या है, एक ऐसा वक्र है जिसमें क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं कि प्रत्येक जो इसका साधन होता है, प्रत्येक जो इसे यहाँ पर बात क्या हो रही है कि गेहूँ दालों को उत्पादन संभावना सारणी, यहाँ पर ये बात हो रही है कि दालें, यानी जैसे यहाँ पर 15 कुंटल दाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दालें लाख कुंटल में 15 कुंटल धान, 14 कुंटल, 12 कुंटल, 9 5 और 4, गेहूँ में यहाँ पर 0 कुंटल ए में, दूसरे में आपका ए 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 5। सेम इसी प्रकार से आपका क्या आ जाता है, जो इसका पूर्णता आ जाता है, ये सेम सीमांत अवसर है, यानी जैसे आप देख सकते हैं 1.1, यानी इसका 1 पॉइंट इसका कंपलसरी है दाल का, इसका भी एक, इसका जो होता है जैसे इसका अपोजिट आ जाता है, जैसे यहाँ पर 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट इसका दे दिया जाता है, यानी इसका एक ही पॉइंट रहेगा, इसका बढ़ता जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये इसका क्या है गेहूँ का 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सारी चीज़ें जो गेहूँ दालों का उत्पादन संभावना सारणी है, कुछ इस प्रकार से आपका बनाना रहेगा, आपकी किताब में भी दिया जाएगा, आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद में देखिए क्या है, उत्पादन संभावना वक्र, ये जो फिगर बना है इसको समझना है आपका सबसे पहले। तो जो उत्पादन संभावना वक्र है ये क्या है, देखिए उत्पादन संभावना वक्र में सबसे पहला आपका जो मेन रोल निभाता है वो फिगर निभाता है। तो भैया फिगर आप समझिए, देखिए ये आपका उत्पादन संभावना वक्र है, ये पूरा जो फिगर है ये वक्र है, ये एक प्रकार से क्या खींची हुई, डंडी खींची हुई, ये एक प्रकार से सारणी है जो उत्पादन वक्र का। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो दी गई वस्तुओं के सभी वैकल्पिक उत्पादन संभावनाओं को क्या है प्रदर्शित करता है, जबकि संसाधन एवं उत्पादन तकनीक स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। ये केंद्रीय समस्याओं हल हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है, या एक उत्पादन संभावना सारणी को वक्र के रूप में प्रदर्शित करता है। क्या है, उपरोक्त दी गई उत्पादन संभावना सारणी के आधार पर बनाया गया उत्पादन संभावना वक्र है, बनाया गया जो क्या है उत्पादन संभावना वक्र है, यहाँ पर आपका दालें लाख क्विंटल में, गेहूँ लाख क्विंटल में, यानी नीचे है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में कि कितना कम है, क्या है गेहूँ कितना कम है, दाल कितना ज़्यादा है, तो ये देखिए उसी अनुसार है, यानी ये ऊँचा है ये नीचा है, गेहूँ लाख क्विंटल में उत्पादन संभावना वक्र, यहाँ पर गेहूँ लाख क्विंटल में, तो जीरो यहाँ पर जीरो वाला सिंबल किसको दे दिया गया है, गेहूँ को, एक्स आपका इधर जाता है, वाई आपका ऊपर जाता है। अब ये जो आपका बना हुआ ये क्या है, ये है आपका संसाधनों का उच्चतम उपयोग, यानी ये जो है संसाधनों का उच्चतम उपयोग है, ये जो आपका क्या है आर्थिक समृद्ध, क्या है जो आपका ये है, ये है आपका आर्थिक समृद्ध, ये जो आपका पॉइंट आया था ये संसाधनों का न्यून उपयोग। तो यहाँ पर जो बात हो रही है उसको पहले हम दिए गए चित्र में आपको समझा देते हैं कि क्या होता है, अर्थव्यवस्था से उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग में ए बी सी डी ई एफ संभावनाओं के अनुसार उत्पादन किया जा सकता है। यदि संभावना ए का चुनाव किया जाए, यानी जो संभावना ए का है ये है, ए का चुनाव किया जाए तो गेहूं का उत्पादन शून्य होगा, यहाँ पर देख सकते हैं शून्य होगा, संभावना जो होता है शून्य होगा, और दालों का उत्पादन 15 लाख क्विंटल होगा, जिसके पश्चात जैसे जैसे गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जाएगा वैसे ही वैसे जो है दालों का क्या होता है, दालों का जो वैल्यू है वो घटने लगता है, दालों का उत्पादन कम होने लगा होगा। अर्थव्यवस्था अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान रखता है और विकल्प का चुनाव करेगी। इसी प्रकार से यानी जैसा कि मैंने बताया आपको, ए का उत्पादन जैसे बढ़ते रहेगा, गेहूं का जैसे बढ़ता जाएगा उसका दाल का क्या होता है उत्पादन कम होता जाएगा, और दाल का जब उत्पादन होगा तो गेहूं, दाल का जब उत्पादन होगा तो गेहूं का कम होगा, गेहूं का जब उत्पादन होगा तो दाल का कम होगा। तो दोनों आपका सेम हो जाता है, फिगर के अनुसार आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को रोककर बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा क्लियर हो गया, जो कि उत्पादन संभावना वक्र है हमने ये बता दिया, उत्पादन संभावना सारणी क्या थी ये इसको भी हमने बता दिया है। ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा भैया, आपको हमारी वेबसाइट पर पीडीएफ मिल जाएगा, शिवम स्टडी नॉलेज आप सर्च कीजिएगा, आप हमारे जो गूगल वेबसाइट है आप वहाँ पर सर्च करिएगा शिवम स्टडी नॉलेज, सिंपल से आप सर्च कीजिएगा, हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर सभी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, इस चैप्टर का भी पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई पैसा
नहीं लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अवसर लागत आ जाता है। अवसर लागत भैया किसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवसर लागत, चैप्टर वन के ही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवसर लागत क्या है, देखिए अवसर लागत से अभिप्राय एक अवसर को पाने हेतु जो दूसरा सबसे अच्छा अवसर छोड़ दिया गया है उस अवसर की लागत से है। यानी अवसर लागत क्या है, सबसे पहले समझिए कि अवसर लागत से अभिप्राय क्या है। अवसर लागत से अभिप्राय एवं अवसर को पाने क्या है, अवसर को पाने हेतु दूसरा सबसे अच्छा अवसर छोड़ दिया गया जैसे उस अवसर को लागत कहते हैं। क्या उस अवसर को क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि 17,000 की नौकरी छोड़ देता है, यानी 20,000 की नौकरी के लिए 17,000 की नौकरी को छोड़ देता है। क्या है, उस नौकरी को 17,000 की व्यक्ति एक नौकरी कर रहा है और 20,000 नौकरी पा रहा है, तो उसके लिए वो नौकरी छोड़कर क्या कहता है, अवसर लागत के अंतर्गत वो आ जाता है। अब यहाँ पर इसके भी पॉइंट्स हैं, यानी जो अवसर लागत है इसके भी पॉइंट्स हैं। जैसे सीमांत अवसर लागत, ये क्या है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। देखिए सीमांत अवसर लागत वो दर है, जो सीमांत अवसर लागत है वो दर है, लागत वो दर है जिसके अंतर्गत एक उत्पाद की मात्रा में, एक उत्पाद की मात्रा में कमी करके दूसरे उत्पाद की मात्रा बढ़ाई जाती है। इसके सीमांत उत्पादन संभावना तथा रूपांतरण की सीमांत, रूपांतरण की सीमांत दर भी कहा जाता है। यदि वस्तु वाई है कि उत्पादन में कमी करके वस्तु एक्स का उत्पादन बढ़ाया तो सीमांत अवसर लागत की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। जैसा कि हम आपको फिगर में दिखा देते हैं, सीमांत अवसर लागत यहाँ पर एक वस्तु की इकाई में की गई कमी, यहाँ पर बटा लगा हुआ है यानी पूरा ये पाई खींची हुई है। दूसरा है दूसरी वस्तु इकाइयों में बढ़ोतरी। तो सेम स्ट्रैटेजी से वही है आपका जो सीमांत अवसर लागत में और कुल अवसर लागत या अवसर लागत में होता है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यदि वाई के उत्पादन में कमी करके, यानी कोई वाई उत्पादन है उसमें कमी करके वस्तु का एक्स उत्पादन बढ़ाया तो सीमांत अवसर लागत निम्न प्रकार से क्या हो, निम्न प्रकार की जाएगी। इन प्रकार से सीमांत अवसर लागत आप देख सकते हैं, जैसा कि जियोग्राफी में भी होता है आपका जो जनसंख्या का वो होता है कि जनसंख्या सूत्र किस प्रकार से नापा जाता है। सीमांत अवसर लागत इसको हमने बता दिया है। अब हमारा जो अगला आता है उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय आर्थिक समस्याएं, उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय आर्थिक समस्याएं। अब ये क्या है, सबसे पहले इसको भी हम समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इसका जो पॉइंट है, उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय आर्थिक समस्याएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय आर्थिक समस्याओं को हल करने एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का परिचय व केंद्रीय समस्याएं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया हिंदी में, सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं जो इस चैप्टर से हैं। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, शिवम स्टडी नॉलेज, आप गूगल पर सर्च करेंगे वहाँ पर मिल जाएगी सारी चीज़ें, आप जाकर वहाँ पर समझ सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा शिवम स्टडी नॉलेज, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट जो आज का वीडियो था हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का था, इसी प्रकार से हम हर सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर को लेकर आ रहे हैं, उसके अनुसार जैसे ये फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ऐसा ही हमारा जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही था, आई होप कि आज के वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।